जय श्री राम सभी को, कैसे आप लोग। उम्मीद आप लोग सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द गाड़ी वाला सिक्स चैनल। तो भाई आज मैं आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बताने वाला हूं, और वो भी टीवीएस की आई क्यूब सीरीज के बारे में बताने वाला हूं, जो हमारे सामने यहां पर तीनों जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के तीनों वेरियंट्स होते हैं आई क्यूब के, वो तीनों सीरीज खड़ी है हमारे सामने। पहली बेस मॉडल है, बेस मॉडल सेकेंड है, और भाई टॉप मॉडल है। तो तीनों स्कूटर हमारे सामने खड़े हैं, और भाई ये जो है ना काफी शानदार स्कूटर होने वाला है। मतलब मेरा ये मानना है कि भाई इंडिया इज नॉट ए बिगनर। जहां तक टीवीएस की जो प्रोग्रेस है वहां को उसको देखते हुए ना, इंडिया इज नॉट ए बिगनर, और इंडिया में भी ना टीवीएस इज नॉट ए बिगनर ब्रो। बिकॉज मैं इस मुद्दे पे ये बात बोल सकता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर की सीरीज देखी है। जैसे ओला सीरीज में मैंने इलेक्ट्रिक जो स्कूटर होता है ओला का, वो भी मैंने देखा है। बजाज का चेतक भी देखा है, हीरो का विडा भी देखा है। तो भाई बजाज का, अब आप बोलोगे कि बजाज का चेतक काफ़ी अच्छा होता है, तो भाई बजाज का चेतक भी मैंने देखा है। आई नो ब्रो, इट इज़ ए स्टील बॉडी। भाई बजाज का जो चेतक है ना फुल स्टील बॉडी होता है, मैंने देखा है। बट भाई मैं उसको मतलब ज़्यादा इंपोर्टेंस ना देते हुए टीवीएस सीरीज को काफ़ी सारी इंपोर्टेंस देता हूँ। मुझे टीवीएस की जो आई क्यूब सीरीज है ना काफ़ी पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है भाई। मतलब आपको मतलब जो डिस्प्ले होती है ना मोबाइल की, जैसे आप जो टॉप वेरियंट है हमारे सामने मोबाइल की, जैसे आप इसमें डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ये मतलब बेस मॉडल है, आप इसमें भी डिस्प्ले यूज़ नहीं कर सकते। आप मतलब नॉर्मली आपको डिस्प्ले, फुल डिस्प्ले एचडी डिस्प्ले आपको मिल जाती है। ये बेस मॉडल सेकंड है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो भाई आप, मैं बताने वाला हूँ आपको इन तीनों की डिटेल। पहली चीज़ तो भाई तीनों की जो मैन्युफैक्चरिंग, जो बॉडी, जो डिज़ाइनिंग है ना, तीनों की सेम होने वाली है। और आपको जो स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी के साथ में आपको जो तीनों वेरिएंट है वो देखने को मिल जाते हैं। आपको टॉप जो इसका जो टॉप वेरिएंट है, ये मैं बता देता हूँ आपको, टॉप वेरिएंट 125 किलोमीटर की है, सॉरी 125 से 150 किलोमीटर तक की रेंज का होने वाला है टॉप वेरिएंट। और भाई इसमें थोड़ी सी जो ये विंडशील्ड है ना, ये थोड़ी सी चेंज कर दी है। इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा बड़ा, इसको आप इस विंडशील्ड को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। और यहाँ पे जो बेस मॉडल एंड जो बेस मॉडल सेकंड होता है, इनमें थोड़ी छोटी कर दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो, आपके सामने है। अब एक चीज़ आपको इनको मैं इसकी जो डिटेल है वो बता देता हूँ। भाई बेस मॉडल हमारे सामने खड़ा है ग्रे, सॉरी ब्राउन कलर में। ये कलर्स का ना आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मुझे भी मतलब कंफर्म नहीं है, कंफर्म चलो कंफर्म बता देता हूं यार। ब्राउन कलर में खड़ा है, और ये खड़ा है भाई ग्रे कलर में, और ये खड़ा है भाई ब्लू कलर में। तीनों आपको क्लियर कर दिया। अब एक इनके जो रेंज है ना वो मैं बता देता हूँ भाई। आपको ब्राउन कलर में खड़ा है, आपको 75 किलोमीटर की रेंज आपको इसमें देखने को मिल जाती है। सेकंड चलते हैं, सेकंड साइड में भाई बेस मॉडल सेकंड की तरफ चलते हैं, तो ये मिलने वाला भाई आपको इसमें 75 से 100 किलोमीटर की रेंज का आपको जो होने वाली है वो देखने को मिल जाती है सिंगल चार्ज में। अब नेक्स्ट बात करते भाई टॉप वेरियंट की तरफ, ये आपको काफ़ी अच्छा काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। आपको ये भाई 100 से 150 किलोमीटर तक की रेंज का आपको ये स्कूटर देखने को मिल जाते हैं। इन स्कूटर्स में आपको एलईडी हेडलाइट का जो सिस्टम होता है आपको देखने को मिल जाता है, एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिल जाती है, एलईडी आपको टेल लाइट भी एलईडी में ही देखने को मिलती है। मतलब यार सारी चीज एलईडी है, तो फिर आपको हैलोजन में बचा ही क्या है? हैलोजन में कुछ नहीं बचा भाई, भाई खरीद लो भाई, दिवाली आ रही है, दिवाली का शानदार ऑफर आपको इसको इन स्कूटर्स पे, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे निकल के आएंगे भाई, खरीद लो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो भाई बात करते हैं जो फर्स्ट वाला होता है बेस मॉडल, उसकी प्राइसिंग की। 75 किलोमीटर रेंज होने वाली है ब्राउन वाले की, और इसकी प्राइसिंग है आपको 1,17,000 एक्स शोरूम आपको देखने को मिल जाती है। 1,17,000 मैं क्लियर कर देता हूं, आपको ये एक्स शोरूम ही प्राइसिंग देखने को मिलती है। ऑन रोड प्राइसिंग आपके जो नियर बाय शोरूम है आप वहां पर विजिट करके ऑन रोड प्राइसिंग आप जान लेना। एक्स शोरूम प्राइसिंग मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, 1,17,000 आपको इस ब्राउन वाले की देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रे वाले की, जो कि बेस मॉडल सेकंड होने वाला है। इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है 1,47,000 के आसपास, आपको जो एक्स शोरूम प्राइसिंग है वो देखने को मिल जाती है। मैं मानता हूं अगर आप ये बोलोगे कि यार प्राइसिंग तो काफी आप ज्यादा बता रहे हो, तो भाई मैं नहीं बता रहा, कंपनी ने फिक्स कर रखी है प्राइसिंग, है ना। तो आप एक बार अपने नजदीकी शोरूम में जाके क्लियर कर लेना। 1,47,000 आपको इस की जो प्राइसिंग है बेस मॉडल सेकंड की, मतलब 100 किलोमीटर की रेंज होने वाली है इसकी, तो 1,47,000 एक्स शोरूम प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई अब बात कर लेते हैं मेन जो होने वाला है ना इसका टॉप वेरियंट, टीवीएस आई क्यूब का जो टॉप वेरियंट होता है उसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। इसकी रेंज आपको 150 किलोमीटर तक की देखने को मिल जाती है, और इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी आपको ज्यादा लग सकती है। 1,86,000 के आसपास आपको इसकी एक्स शोरूम देखने को मिल जाती है।
मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि मैं आपको ओनली एक्स शोरूम प्राइसिंग ही बता रहा हूँ, ऑन रोड प्राइसिंग नहीं बता रहा। तो आप अपने नजदीकी शोरूम में जाके क्लियर कर लेना। तो अब आपको जो ये जो 186,000 मैंने प्राइसिंग इसकी बताई है एक्स शोरूम, वो आपको भाई कंपनी आपको फालतू की जो पैसे है वो नहीं ले रही भाई। एक पहली बात तो आपको फुल्ली मतलब HD जो इसकी होने वाली है डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, HD टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको देखने को देती है भाई कंपनी, जो कि 186,000 में देती है आपको। अब एक चीज आप मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पहली चीज तो ये स्कूटर होना है भाई, स्कूटर आप चेकआउट कर सकते हो। अब जो टच डिस्प्ले होने वाली है इसकी वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लो भाई ओनली टच डिस्प्ले, साइड में आपको जो स्टिक भी दी हुई है, इससे भी आप सारे इसके जो मैं जो डिटेल्स है वो चेकआउट कर सकते हो, जो स्टिक से भी और भाई टच से भी कर सकते हो। ये मैंने कर दिया भाई, ब्लूटूथ सेटिंग निकाल दी, ये बैक कर दिया, ये फिर से निकाल दिया। ये भाई इसमें आपको सारी जो ऑप्शंस होते हैं, जनरल सेटिंग हो गया, ब्लूटूथ सेटिंग, माई व्हीकल, प्राइवेसी, डॉक्यूमेंट, प्रोफाइल, बैटरी, इसमें आपको 3 बैटरी देखने को मिलती है भाई। आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा है 3 बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई 3 बैटरी देखने को दे रही है कंपनी, HD डिस्प्ले आपको देखने को दे रही है। फ्रंट में आपको डिस्क जो ब्रेक होता है आपको इसका डिस्क ब्रेक देखने को दे रही है, आप चेकआउट कर सकते हो। आपको तीनों स्कूटर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं एंड जो इसमें आपको 3 बैटरी दे रही है। तो भाई अगर एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर 186,000 रुपये आपसे कंपनी ले रही है तो भाई आपको आपसे फालतू के पैसे तो नहीं ले रही कंपनी। 3 बैटरी दे रही है, जो डिस्क ब्रेक हो गया, फुल HD डिस्प्ले हो गया और भाई इसकी जो चाबी भी है ना वो भी आपको काफी शानदार ऑप्शन में देखने को मिलती है। आपकी इसकी आप जो है ना इसकी की देख लो भाई, काफी शानदार आपको इसकी की देखने को मिल जाती है। तो ये सारी डिटेल्स आपको चेकआउट देखने को अपने जो चैनल है उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो रियर का पोर्शन है वो मैं आपको देखने को जो इसका रियर का पोर्शन आप चेकआउट कर सकते हो। क्यू पार्क असिस्ट आपको सारा जो तीनों में काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। IQB इलेक्ट्रिक की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो भाई ये एक छोटी सी डिटेल और इनकी भी एक जो डिस्प्ले है ना वो मैं आपको एक बार चेकआउट करवा देता हूँ। आप इनमें भी जो स्क्रीन होने वाली है स्क्रीन साइज आप चेकआउट कर सकते हो, बेस मॉडल होने वाला है और वो भी आपको बेस मॉडल सेकंड देखने को मिल जाता है। टॉप वेरिएंट हमारे सामने खड़े है, बेस मॉडल और टॉप वेरिएंट की जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो आपको काफी डिफरेंट देखने को मिलती है, उनमें छोटी होगी इनमें बड़ी होगी। तो ये छोटी सी डिटेल अपने चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है। तो पहली चीज अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई लाइक और शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।